जब हम माउंटिंग वाले एरिया में जाते हैं लोड गाड़ी लेके, उधर ट्रैफिक हो जाता है, जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तब ऐसा सिचुएशन आता है कि हमको बीच में ही गाड़ी को रोकना पड़ता है, तब गाड़ी पीछे भी लगा होता है और हमारा गाड़ी जो है वो लोड भी होता है, भारी भरकम लोड होता है और वो चढ़ान पे रोकना पड़ता है हमको। तब हमको गाड़ी को कैसे रवाना करना पड़ता है, तब तो हम ब्रेक भी पकड़ के रखे हुए होते हैं और क्लच भी पकड़ के रखे हुए होते हैं, तब हमको ब्रेक पैडल से पैर हटा के एक्सीलेटर पे कैसे पैर रखते हैं और गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाते हैं वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। एंड तक बने रहिएगा। जैसे कि हम ब्रेक से पैर हटा देंगे तो गाड़ी पीछे जाने लगेगा, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा वो कैसे पीछे नहीं जाएगा और गाड़ी हम आगे सही से आगे बढ़ा पाएंगे वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा प्लीज। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, लाइक कर लेना। तब क्या करना पड़ता है, दोनों पैर हमारा, एक पैर हमारा क्लच पे और एक पैर हमारा ब्रेक पे होता है दोस्तों। तब हमको क्या करना है, जैसे ही हमारा गाड़ी आगे से चला गया, पीछे तो अगर पीछे भी ध्यान देना है आपको, मिरर में देखेंगे पीछे अगर गाड़ी चला गया हमारा तो ठुक जाएगा पीछे, और पीछे अगर जाना स्टार्ट हो गया लोड गाड़ी, अगर आपका 5-6 फीट चला गया तो आपको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आपका ब्रेक वगैरह भी काम नहीं देगा दोस्तों, ये याद रखना लोड गाड़ी होगा तो। तब आप इसीलिए ये ट्रिक अपनाइए और गाड़ी को आगे आराम से लेके जाइए दोस्तों। एक पैर हमारा क्लच पे है, एक पैर हमारा ब्रेक पे है। तब हमको क्या करना है, गियर डालेंगे न्यूट्रल पे, आपको न्यूट्रल कर देंगे जब आप मतलब खड़े रहेंगे तो न्यूट्रल कर देंगे, या फिर न्यूट्रल नहीं होगा तो भी आपको गियर पे होगा तो आपको क्या करना है, लोड गियर लगा लेना है दोस्तों। लोड गियर होगा तो आपके लोड गियर लगा लेना है या फिर एक नंबर गियर लगा लेना है, जैसा कि इधर लगा रहा हूँ, लोड गियर लगा लेना है या फिर आपको एक नंबर गियर लगा लेना है दोस्तों। एक नंबर गियर लगा के आपको क्या करना है, क्लच को धीरे से छोड़ना है, ब्रेक तो पकड़े रहिएगा आप, ब्रेक छोड़ना नहीं है, क्लच को धीरे से छोड़ना है और जैसे ही आपके इंजन से साउंड आएगा, क्लच दबा के जब रखेंगे क्लच धीरे से छोड़ेंगे, जैसे ही आपके इंजन से साउंड आएगा, इंजन कांपने का, गाड़ी थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहा है जैसे, ऐसे ही साउंड आएगा तब आपको ब्रेक को छोड़ देना है दोस्तों, ब्रेक को धीरे से छोड़ देना है। तब क्या होता है, जब आगे जोर लगाता है इंजन आगे जाने के लिए तब हमारा बैलेंस हो जाता है, क्लच पे ही गाड़ी टिका रहता है, इंजन कंट्रोल करता है गाड़ी को दोस्तों, क्लच पे ही गाड़ी टिका रह जाता है। तब आपको क्या करना है, एक्सीलेटर दबाना है दोस्तों, ब्रेक पैडल से आपको पैर हटा के एक्सीलेटर पे रख के पूरा एक्सीलेटर दबा के पूरा एकदम मौसम से लेके जाना है, पूरा दबा के धड़ाक से लेके जाना है पूरा, ऐसे पूरा दबा के क्लच छोड़ेंगे आगे जाएगा गाड़ी दोस्तों, आगे चला जाएगा। ये होता है हमारा इंजन सीटा, ये जो क्लच से कंट्रोल कैसे करते हैं ये बताया मैं, और एक बता रहा हूँ हैंड ब्रेक से कैसे करते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा क्लच ब्लेड जाने का चांसेस होता है, बहुत लोड पड़ता है इंजन को, इसीलिए ये तरीका भी सही भी है और इमरजेंसी में ही करते हैं इसको, नहीं तो हैंड ब्रेक का ही इस्तेमाल कीजिए वो अच्छा रहता है दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। क्या करेंगे, एक पैर हमारा क्लच पे होगा, एक पैर ब्रेक पे उसी तरह से, तो क्या करना है हमको गियर लगा देना है, गियर लगाने के बाद हमको क्या करना है, ब्रेक पकड़े रहेंगे तब आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक लगा लेना है आपको, हैंड ब्रेक लगा हुआ है मतलब पीछे ये देखो हैंड ब्रेक लगा हुआ है, तो ब्रेक से अभी पैर आपको हटा देना है, ब्रेक से पैर हटा देना है और पैर आपको एक्सीलेटर पे रखना है और क्लच धीरे से छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे और जैसे ही आपका इंजन थोड़ा बहुत कांपने का, आगे जाने का इंजन कांपने का साउंड आएगा, आपको फील होगा कि आगे जाने के लिए गाड़ी कोशिश कर रहा है, तब आपको क्या करना है, आपको हैंड ब्रेक को धड़ाक से खोल देना है, ऐसे धड़ाक से खोल देना है और जिस टाइम पे आप हैंड ब्रेक खोलेंगे दोस्तों, हैंड ब्रेक जिस टाइम पे छुड़ाएंगे उसी टाइम पे ही आपको क्लच को पूरी तरह से छोड़ देना है और उसके कुछ मिली सेकेंड आगे आपको एक्सीलेटर्स को भी ऐसे धड़ाक से कर देंगे और इसी टाइमिंग पे ही आपको हैंड ब्रेक को भी छुड़ाना है, ऐसे टाइमिंग को, ये तीनों चीज एक साथ होना चाहिए दोस्तों, तब क्या होगा आपका गाड़ी थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत आपको 2-4 इंच पीछे जाने का, पीछे घूम आपका चक्का जाएगा 2-4 इंच, फिर आगे चल जाएगा दोस्तों। ये भी एक ट्रिक होता है गाड़ी को आगे ले जाने का दोस्तों। ऐसे करते हैं माउंटिंग वगैरह पे, और जब आप चढ़ान पे चढ़ रहे होंगे, ट्रैफिक होगा, गाड़ी लोड होगा, तब ऐसे करते हैं। अगर गाड़ी लोड नहीं होगा तो भी आप ये जो क्लच वाला ट्रिक बताया इसमें करेंगे तो भी अच्छा रहता है। और क्लच वाला इंजन में कंट्रोल करके इंजन से हम गाड़ी को रुक के जब आगे बढ़ाते हैं तो लोड गाड़ी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करिए करने के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।